लॉकडाउन में जनता को सब्जी सहित आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए रोज की भांति महवा मंडी शनिवार को भी खुली रही और लोग सब्जियों की खरीदारी करते नजर आए। लेकिन शनिवार को ग्राहकों की संख्या में कमी देखी गई, जिसके संबंध में फल सब्जी विक्रेता एसोसिएशन के महामंत्री फिरोज अहमद राइन ने बताया कि मंडी पहले से निर्धारित समय पर खुल और बंद हो रही है। आवक की स्थिति भरपूर है। जो भी व्यापारी मंडी में फल या सब्जी खरीदने आ रहा है, उसे सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर सामान दिया जा रहा है। जनता को परेशान होने की जरूरत नहीं है। होम डिलीवरी के माध्यम से उनके घरों तक सब्जियां पहुंच जाएंगी। लॉकडाउन का पालन करें, घरों में रहें, सुरक्षित रहें। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए फल सब्जी विक्रेता एसोसिएशन के महामंत्री फिरोज अहमद राय ने कहा, नंबर मेरा नाम फिरोज अहमद राइन, महामंत्री फल सब्जी विक्रेता एसोसिएशन गोरखपुर। मंडी पहले की तरह चल रही, अच्छी तरह मंडी चल रही है। यहाँ भरपूर आवक है, आलू प्याज हरी सब्जी वगैरह का आवक है। और जनता से हमारी ये अपील है कि लॉकडाउन का पूरा पालन करें। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के जो उन्होंने आदेश निर्देश दिया लॉकडाउन का, पूरी जनता लॉकडाउन का पालन करे, अपने घरों में रहे, सब्जियां, फल वगैरह, आलू प्याज उनके घरों तक पहुंच जाएगी। अगर जिसको ज़रूरत हो पहुंच जाएगी, और जिसको ज़रूरत हो आ रहा मार्केट में, तो सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए हम लोग सब्जियां, आलू प्याज हम लोग दे रहे हैं। कोई गाइडलाइन जारी हुई कुछ खोलने और बंद करने के लिए? नहीं, पहले की भांति खोल रहे हैं। आवश्यक वस्तु है ये। और सचिव साहब ने कहा कि पूछा गया सचिव साहब, तो सचिव साहब ने कहा भाई आप खोल के मार्केट में माल सोशल डिस्टेंस वगैरह का पालन करा के आप दे सकते हैं, बेच सकते हैं। क्योंकि अगर सब्जी मंडी और आलू मंडी या फल मंडी ये बंद हो जाए तो दिक्कतें पैदा हो जाएगी ना, इसलिए मार्केट खुली हुई है। और ये ना ही के बराबर समझ लीजिए है, मार्केट में भीड़ भाड़ नहीं है। जो भीड़ लग रही है थोड़ा बहुत आ रहे, तो सोशल डिस्टेंस का पालन करके हम लोग सारी चीज़ें हम दे रहे हैं। और जनता से फिर मैं एक मरतबा अपील मैं कर रहा हूँ, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के लॉकडाउन लगाने पे का वो पूरी तरह पालन करे, अपने घरों में रहे के लॉकडाउन का पालन करे। आवक को लेकर क्या स्थिति है? आवक भरपूर है, आलू प्याज हरी सब्जी वगैरह भरपूर आवक, आवक में कोई कमी नहीं है। पिछले लॉकडाउन में इस समय थोड़ा रेट बढ़े हैं, इससे क्या कारण? पिछले लॉकडाउन में रेट जो घटे थे वो एक सबसे बड़ा ये मामला था कि रेट निर्धारित हो रहा था, जो सिटी मजिस्ट्रेट साहब के जिला प्रशासन द्वारा रेट निर्धारित हो रहा था, तो एक रेट निर्धारित करके। और पिछले लॉकडाउन में ये था, होटलें वगैरह खुली नहीं थी, बहुत सी चीज़ें खुली नहीं थी, इसलिए खपत कम थी, इसलिए रेट काफ़ी कम था। और काफ़ी कम करके हम लोग खुद व्यापारी लोग दे भी रहे थे लॉकडाउन में। इस समय भरपूर सारी चीज़ें खुल गई है, होटल वगैरह, इसलिए सारी चीज़ें जा रही है। ज़्यादा डिमांड हो गई, डिमांड होने पे इसलिए थोड़ा रेट बढ़ गया है, लेकिन कंट्रोल है, रेट पे हो जाएगा।